नमस्कार, मैं शिवानी बिहारी न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे शिमला मिर्च के ऊपर। शिमला मिर्च के नाम को लेकर लोगों का कहना है कि इसकी खेती शिमला में होती है, इस वजह से इसका नाम शिमला मिर्च पड़ा है। शिमला मिर्च मूल रूप से दक्षिणी अमेरिका की एक सब्जी है, इसे इंग्लिश में कैप्सिकम कहते हैं। ये ज़्यादातर आपको तीन रंगों में यानी लाल, पीली और हरी बाजारों में दुकानों पर सजी हुई मिल जाएगी। देखने में उतना ही आकर्षित और लुभावना होता है, इसके फायदे भी उतने ही अनमोल हैं। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शिमला मिर्च के फायदे शेयर करूंगी। आइए फिर शिमला मिर्च के फायदे के बारे में विस्तार से जानते हैं। आंखों के लिए भी शिमला मिर्च खाने के फायदे हैं, विशेष रूप से बढ़ती उम्र में मोतियाबिंद से बचने के लिए इसका सेवन किया जा सकता है। शिमला मिर्च में ल्यूटीन और जैक्सेथीन नाम के तत्व पाए जाते हैं जो मोतियाबिंद से बचा सकते हैं। शिमला मिर्च में विटामिन ए भी मौजूद होता है जो आंखों की रोशनी को सही बनाए रखने में मदद करता है। एनीमिया स्थिति में जिसमें शरीर में पर्याप्त स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि रेड ब्लड सेल्स नहीं बन पाती है, लाल रक्त कोशिकाओं का काम शरीर के सभी अंग तक ऑक्सीजन पहुंचाना होता है। शिमला मिर्च में कुछ मात्रा में आयरन पाया जाता है जो एनीमिया से बचाव कर सकता है। साथ ही शिमला मिर्च में विटामिन सी भी पाया जाता है। विटामिन सी शरीर में आयरन को अवशोषित करने में मदद करता है, इसलिए एनीमिया जैसी अवस्था से बचने के लिए शिमला मिर्च खाने के फायदे देखे जा सकते हैं। शिमला मिर्च कई तरह के विटामिन से भरपूर होता है, इसमें विटामिन ए, बी, सी और के मौजूद होते हैं। विटामिन ए त्वचा, हड्डी और दांतों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। विटामिन सी जिसे एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है, यह दांतों के लिए अच्छा होता है और इसमें घाव भरने की क्षमता होती है। राइबोफ्लेविन यानी विटामिन B2 भी शिमला मिर्च में पाया जाता है, यह शरीर के विकास में सहायक होता है। शिमला मिर्च में थायमीन यानी विटामिन B1 भी होता है जो शरीर को ऊर्जा देने का कार्य करता है। इसके अलावा शिमला मिर्च में मौजूद विटामिन के को हड्डियों के लिए अच्छा माना जाता है। शिमला मिर्च में कैप्साइसिन नामक तत्व पाया जाता है, इसमें एंटी कैंसर गुण पाए जाते हैं। कैप्साइसिन की मौजूदगी विभिन्न प्रकार के कैंसर की आशंका से बचाने में मदद कर सकता है। यहाँ हम स्पष्ट कर दें कि कैंसर एक गंभीर बीमारी है, लेकिन याद रहे यह बहुत बड़ी बीमारी है, इसलिए डॉक्टर की सलाह और विशेष तरह की चिकित्सा की सख्त जरूरत है। कैप्साइसिन हार्ट के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। कैप्साइसिन युक्त लाल शिमला मिर्च का सेवन मेटाबॉलिज्म में सुधार ला सकता है। साथ ही कैप्साइसिन मेटाबॉलिज्म से जुड़ी समस्याएं जैसे मोटापे और हृदय रोग के खतरे को कम कर सकता है। शिमला मिर्च त्वचा के लिए भी फायदेमंद हो सकती है, इसमें कैप्साइसिन नाम का तत्व पाया जाता है जिससे त्वचा के लिए इस्तेमाल होने वाली कई क्रीमें प्रयोग किया जाता है। यह त्वचा में कसाव लाने का काम करता है, साथ ही त्वचा से जुड़ी विभिन्न प्रकार की समस्याओं से कुछ हद तक बचा सकता है। रक्त विकार से जूझ रहे लोगों को शिमला मिर्च का सेवन नहीं करना चाहिए, ये रक्त बहाव का कारण बन सकता है। ब्लड प्रेशर के मरीजों को शिमला मिर्च का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए, यह इस समस्या को और बढ़ा सकता है। हालांकि इस विषय में शोध की कमी है, लेकिन सावधानी के तौर पर इसका सेवन संतुलित मात्रा में ही करना होगा। सर्जरी के 2 हफ्ते पहले से इसका सेवन छोड़ देना सही होगा, नहीं तो सर्जरी के समय यह ज़्यादा रक्त बहाव का कारण बन सकता है। शिमला मिर्च का सेवन ब्लड शुगर में इजाफा कर सकता है, लेकिन इसका कोई ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं है, इसलिए सावधानी के तौर पर इसका सेवन थोड़ी मात्रा में ही करें। कुछ लोगों में शिमला मिर्च के सेवन से एसिडिटी की समस्या देखी गई है। शिमला मिर्च का सेवन कुछ लोगों के लिए एलर्जी का कारण बन सकता है, इसलिए अगर किसी को पहले से कोई एलर्जी है तो इसके सेवन से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। शिमला मिर्च खाने में काफ़ी स्वादिष्ट लगता है, इसकी महक खाने का स्वाद और बढ़ा देती है। कुल मिलाकर शिमला मिर्च एक स्वादिष्ट और बेहतरीन सब्जी है। शिमला मिर्च के नुकसान को हमेशा याद रखें और गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे लोग शिमला मिर्च का सेवन डॉक्टर की सलाह पर ही करें। शिमला मिर्च के फायदे सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। और हम आशा करते हैं कि शिमला मिर्च से संबंधित हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप किसी विषय पर हमसे कुछ और पूछना चाहते हैं तो हमें आपके सवालों के जवाब देने में खुशी होगी। आप हमें अपने सवाल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।